व्हाई डू यू बिलीव के प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही इज अनस्टॉपेबल, क्यों अनस्टॉपेबल हो गए? He will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the superpower level. अभी आपको अफसोसनाक खबर देंगे, पिशावर से वर्सिक रोड पर धमाका हुआ है। But the point is के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नारा लेके चले हैं नेशनलिज्म का, आइडेंटिटी का। जय शंकर साहब ने जब हमारे टोनी बिल्कुल साहब मौजूद थे कट्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका एक लफ्ज है मुझे हमेशा याद रहता है, वो कहते हैं कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर राइट नाउ। तो वो ओरिजिनली उनकी डिटर्मिनेशन उनकी और उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड दैट्स रिमार्केबल, और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। सारी ऑपोजिशन इंडिया अलायंस बन गया, आपको याद है सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो गई, बट ही वन अगेन। वो प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2024 के अंदर भी वो बंदा ही हुकूमत करेगा। 2024 के अगर हुकूमत की हम बात करें तो टोटली पिछली हुकूमत की अगर बात करें तो 15 साल हो जाएंगे उनको हुकूमत को, तो हमारे यहाँ पर कोई आधा भी नहीं टिक पाता, कोई पूरा भी नहीं कर पाता। दूसरे नंबर पर अगर देखें तो 15 साल वो और 30 साल जो सीएम रहे गुजरात के, 30 साल हुकूमत करेंगे। उनके दौर में हर काम ने तरक्की की है, आवाम को तरक्की नजर आती है। अब तक ये कल्चर हमारे यहाँ रहेगा, हम तरक्की नहीं कर सकते, तरक्की का सोच भी नहीं सकते। तो जनाब तरक्की का राज इंडिया का यही है, मोदी का। मोदी डेफिनेटली, उसको अगली हुकूमत भी उसी की है, इसमें तो दो राय है ही नहीं। तो रिसेंटली थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी स्टेटमेंट थाईलैंड और इंडिया में हो चुकी है काफी वायरल। इन्होंने ये कहा है कि पीस विल बी एस्टैब्लिश्ड इन वर्ल्ड ओनली थ्रू हिंदू वैल्यूज ऑफ लाइफ। अगर दुनिया में शांति स्थापित करनी है, क्योंकि अगेन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, आज के समय दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, चाहे इसराइल हमास का इशू हो, यूक्रेन रशिया का इशू हो, अजरबैजान अर्मेनिया का इशू हो, तो ऐसे टाइम में उन्होंने ये कहा है कि अगर पीस स्थापित करना है तो उसका रास्ता हिंदू वैल्यूज ऑफ लाइफ से ही निकलेगा। क्या कहना चाहेंगे? आखिर में जाके उन्होंने जो सबसे ज्यादा जो फाइनल स्ट्रोक उन्होंने दिया है तेजस के ऊपर, जो उन्होंने 30 मिनट्स जो है, और खासकर टॉम क्रूज बन के जो उन्होंने वो फ्लाइट की है, वो मेरा ख्याल में कंपेन की एक आखिरी चीज थी। और दूसरा ये यहां जरूर बताना चाहूंगा कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम होना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाके स्टेटों में ऑन ग्राउंड कंपेन की है, और मैं समझता हूं कि ही विल बी कंसिडर्ड अ लेजेंडरी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, और नॉट ओनली इन इंडिया, द बुक्स विल बी रिटन ऑन हिम फ्रॉम हिज हम्बल बैकग्राउंड, the way he has taken a country to the superpower level. Main yahan ye mention karna chahunga, Jay Shankar sahab ne jab hamare Tony Blinken sahab maujood the Katti press conference mein, unka ek lafz hai mujhe hamesha yaad rehta hai, wo kehte hain ki America is not the only superpower right now. To wo originally unki determination unki aur unki will aur unki appetite to become a superpower in the world that's remarkable, aur uska main credit jo hai wo Modi sahab ko dunga, aur uska ultimately jab आप कौमों को लेकर आगे जाते हैं, जब आप नेशनलिज्म को देते हैं, जब उनको आप बताते हैं कि वी हैव अ यू नो वी हैव अ फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट, स्पेस इज द लिमिट, तो उसमें जब आप जाते हैं तो उसमें अल्टीमेटली फिर कौम आपके पीछे जाती है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि आलिया, मेरी होम स्टेट अगर कहा जा सके तो वो मध्य प्रदेश है। मैं इंदौर जो है और भोपाल में वहां जाता भी हूँ, मैं अभी भी जाऊंगा तो जाऊंगा, बल्कि अभी जा रहे हैं सारे साहब, कुछ ही दिनों में इंडिया जा रहे हैं। मैं बिल्कुल 2-3 हफ्तों के अंदर जाने का मेरा प्रोग्राम, एक शादी अटेंड करूंगा न्यू दिल्ली में, और फिर मैं इंदौर जाऊंगा। इस दफा मैंने सोचा है कि मैं बाई रोड न्यू दिल्ली से, एक बहुत खूबसूरत हाईवे बन चुकी है, न्यू दिल्ली से इंदौर जाऊंगा बाई रोड, और यहाँ मुझे बड़ा इस चीज में आनर है कि वहां शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर है, मेरी 2-3 दफा ट्रेड डेलीगेशन में उनके साथ मुलाकात भी हुई है, और बल्कि मैं जिस तरह बताया कि मेरी आप इस तरह कह सकते हैं होम स्टेट के मेरी मेरे फैमिली मेंबर जैसे लोग हैं वहां पे। मैं 2-3 दफा जब मैं आलिया गया हूँ ट्रेड डेलीगेशंस के साथ, तो उसमें मैंने वहां पे लोगों को देखा, मुसलमान अफसरों को देखा, मैंने हिंदुओं को देखा, मैंने सिखों को देखा, और दे नो एग्जैक्टली हाउ टू लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड पीस एंड हाउ टू बिल्ड अ रिलेशनशिप बियॉन्ड द फेथ। फेथ को देखें, मेरी नजर में आलिया, फेथ इज योर पर्सनल मैटर। आप उसको कोई उसको भगवान कह ले, कोई उसको वाहे गुरु कह रहे, कोई उसको अल्लाह कह रहे, कोई उसको गॉड कह रहे, लेकिन एक ही चीज का नाम है, वो आपका पर्सनल मैटर है। यू आर नॉट सपोज्ड टू इंटरफेयर इनटू इट। आप देखें कि हाउ ही इज ट्रीटिंग यू, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स और पैशन ही हैज अगेंस्ट यू, मैटर ऑफ फैक्ट दैट मैटर्स।
दैट मैटर्स मेरे ख्याल में, लेकिन जो नजर आ रहा है जी सर साहब, ये जो आपने बात की इसके अंदर एक ये भी बात कि अब क्योंकि ये भी बात कही जा रही है ना कि जो नेशनलिज्म उन्होंने वहां पे उजागर किया, तो अब जाहिर है कि वो एक मर्द ये वाले इलेक्शन जीते, कहा जा रहा है कि अगले इलेक्शन भी पक्का ही पक्का जीते, तो फिर उसके बाद जो नेशनलिज्म है वो मजीद भी रेज होगा। और तो पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से जो वो बात की जाती है, आपको पता ही ना कि जनाब ये तो मोदी आ रहा है तो वो तो खौफ पैदा हो गया कि भाई ये क्या हो जाएगा, तो वो वहां पे क्या होगा, क्या वो खौफ बढ़ गया है, बढ़ जाएगा, या क्या आप समझते हैं कि कोई वो जंग कर देंगे? नहीं ऐसी बात नहीं है। देखें उसमें आलिया मैं एक चीज ये खास करना है उस पिछले पॉइंट से थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, दुनिया में इस वक्त तरक्की करने के लिए स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है और उसको लेजिस्लेशन में 2/3 majority की जरूरत है, अदरवाइज आप तरक्की नहीं कर सकते। मैं इस वक्त जिस कंट्री में बैठा हूं यहां पे 235 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री मौजूद है लेकिन डेडलॉक है लेजिस्लेशन में, लीडर सिर्फ अपनी पार्टी की सपोर्ट में लेजिस्लेशन नहीं कर रहे, कौम का नुकसान हो रहा है। तो ये बिल्कुल एक एक, एक मैं समझता हूं इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैंडेट द मोदी जी हैज एंड दैट इज द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। अब कई लोग इसको कह देते हैं दिस इज अथॉरिटेरियनिज्म और कई लोग कहेंगे इसको वन पार्टी रूल, बट दैट वर्क्स, इट इज वर्किंग, आई एम टेलिंग यू इट्स वर्किंग। जहां पे कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं वहां कौम तरक्कियां नहीं करती। ये एक तो मैं उस पर ये ऐड करना चाहता, दूसरा उसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि आपने पूछा पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से मैं यह मेंशन करना चाहूंगा मोदी साहब भी वैसे एक लीडर थे जिन्होंने नवाज शरीफ के दौर में उनके घर गए, तो उसको आप ये नहीं कह सकते। हवा तो खैर मीडिया ने बनाना होता है जिसका हिंदुत्वा का आइडिया उनके ऊपर लगाते हैं जिनका उनको लगा। अब देखें हिंदुस्तान की मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू है तो जाहिर है वो उनके मैंडेट आगे लेके जाएंगे ना, वो मिनोरिटी का मैंडेट तो नहीं आगे रखेंगे। अब उनके ऊपर उसके को लगा दिया जाता है जी आप हिंदुत्वा है फिर वो अच्छा। बड़े अरसे से ये बात है कि आज की मोदी जी की नहीं है कि जब भी इलेक्शन होता है बॉर्डर पे तनाव होता है, ये दोनों साइडों से होता रहा। लेकिन अब मेरे ख्याल में एक तो उनका पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, उनको जरूरत नहीं, जिस तरह वो हमारे बासित साहब ने प्रोग्राम करके कहा था कि शायद बालाकोट जैसा दूसरा वाकया हो जाए, अब वो दे हैव ट्रेवल्ड वे फार अहेड ऑफ इट। लेकिन उनका ये है कि ट्रस्ट लेवल वो चीज़ों को देख के बढ़ा है, ठीक है ना, उन्होंने देखा कि हमारे मुल्क में काम, उन्होंने सपोर्ट्स पे काम किया, उन्होंने सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में काम किया, उन्होंने एग्रीकल्चर में काम किया। आप जिसमें भी देखें ना इंडिया को, इंडिया बहुत आगे, अब G20 समिट हुआ है वहाँ पे देखें, अभी जहाँ पे भी नरेंद्र मोदी है ना वो एक लीडर बन चुके हैं, वो आलमी लीडर बन चुके हैं, वो लीड करता है। ये COP28 की जो अभी सबमिट हुई है उसमें आप देखें हमारे वजीर आजम साहब को देखें, वो एंड पे उन्होंने लगाया हुआ था दीवार के पीछे, ठीक है, और मोदी फ्रंट पे खड़ा था। तो ये चीज़ें देख के हमारे हुक्मरानों के लिए ये शर्मिंदगी का बहस है, वो उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए, सीखना चाहिए हमें, सीखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि लोग बात करते हैं कि इंडिया में भी करप्शन है, पाकिस्तान में भी करप्शन, ठीक है वहाँ का थोड़ा सिस्टम ठीक है, करप्शन थोड़ी है लेकिन है। इसमें हमारे निज़ाम ये है, गलत है कि हमारी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी किसी और के पास होती है, अथॉरिटी किसी और के पास होती है। जब तक ये दोनों बातें इंडिया की तरह, जब इंडिया के वज़ीर आज़म के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है, उसको कोई एस्टेब्लिशमेंट का बंदा, कोई ऊपर कोई अदलिया का बंदा, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, कोई उसको हटा नहीं सकता, ठीक है ना। और हमारे मुल्क में ये कल्चर है कि चार चार बंदे आते हैं, वो वज़ीर आज़म के तौर पे उनको एक बंदे ने बिठाना होता है सामने और उनके इंटरव्यू कर रहा होता है, ठीक है। जब तक ये कल्चर हमारे यहाँ रहेगा हम तरक्की नहीं कर सकते, तरक्की का सोच भी नहीं सकते। तो जनाब तरक्की का राज इंडिया का यही है, मोदी का, मोदी डेफिनेटली, उसको अगली हुकूमत भी उसकी की है, इसमें तो दो राय है ही नहीं। उनकी अपोजिशन है वो बातें करती है, इल्ज़ाम भी लगाते हैं, लेकिन वो सब सबसे मुबर्रा है, ठीक है, उसने काम करके दिखाया है, उसने रोड्स का जाल बिछाया है। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया भारतीय प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता नहीं थक रहा, पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर मोदी पर बुक्स लिखी जाएंगी क्योंकि उन्होंने भारत की तरक्की में जो योगदान दिया है वो अब तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की साथी पर चढ़कर भारत पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल नज़दीक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को पूरा अदानी ग्रुप की एक कंपनी कर रही है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसका लोहा पूरी दुनिया मानेगी। ये प्रोजेक्ट सोलार एनर्जी पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। इस सोलार प्रोजेक्ट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दूसरी ओर पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि ये सब कुछ मुमकिन हुआ है भारतीय नागरिकों की वजह से क्योंकि उन्होंने एक बहुत मजबूत सरकार का गठन किया,
उन्हें भारी बहुमत के साथ जिताया। इसलिए ही मोदी सरकार बड़े बड़े फैसले आसानी से ले रही है और भारत की तरक्की का राज भी यही है कि वहाँ बहुमत वाली सरकार और स्टेबल सरकार है। हमारे यहाँ कोई भी प्रधानमंत्री अपनी टर्म भी पूरी नहीं कर पा रहा, सरकारें बार बार बदल जाती है, इसलिए ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।